यदि आप किसी मोटर स्टार्टर को टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड टाइमिंग के अकॉर्डिंग ऑटोमेटिकली स्टॉप करना चाहते हैं, तो वहां पर आपको 24 आवर डिजिटल टाइमर कनेक्ट करना होगा। और इस 24 आवर डिजिटल टाइमर के जरिए जैसे ही आपका टाइमिंग कंप्लीट होता है, आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। अब जितना टाइम आपने इस टाइमर में सेट किया है, तब तक आपका लोड रन करेगा, और जैसे ही टाइमर का टाइमिंग कंप्लीट होता है, आपका लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यदि आप किसी लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं। यदि मैनुअली, दैट मीन्स जब आप इस पुश बटन को प्रेस करते आपके लोड ने स्टार्ट हो जाना चाहिए, तो मैनुअली भी स्टार्ट कर सकते हैं, और मैनुअली यदि स्टॉप करना चाहे तो मैनुअली स्टॉप भी कर सकते हैं। इस टाइमर के जरिए आप 16 डिफरेंट प्रोग्रामिंग कर किसी भी लोड को ऑटोमेटिकली स्टार्ट एंड ऑटोमेटिकली स्टॉप कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और समझ लेते हैं किस तरह से इस डिजिटल टाइमर में हमें प्रोग्रामिंग करना होगी, किस तरह से कनेक्शन करना होगा। देखिए, आज के स्टडी में इस डिजिटल टाइमर के जरिए हम एक ड्यूल स्टार्टर को कंट्रोल करने वाले हैं। तो किस तरह से कंप्लीट प्रोग्रामिंग की जाएगी, किस तरह से कनेक्शन किया जाएगा, सब कुछ समझ लेते हैं। देखिए, हमारे पास ये जो प्रोग्रामेबल टाइमर स्विच है, CNC कंपनी के द्वारा बनाया गया है, और जिसका मॉडल नंबर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। चलिए सबसे पहले इस डिजिटल टाइमर स्विच में हमें किस तरह से प्रोग्रामिंग करना होती है, कौन कौन से स्विच दिए जाते हैं, समझ लेते हैं। देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक आपको वॉच का सिंबल दिया गया है, तो इस वॉच के सिंबल के जरिए अभी कितना टाइम हो रहा है आप सेट कर सकते हैं। टाइमिंग सेट करने के लिए सबसे पहले आपको वॉच के बटन को प्रेस कर रखना होगा। सबसे पहले हम डे सेट कर लेते हैं, तो जो D+ का सिंबल दिया गया है उसके ज़रिए आज जो भी डे है उस डे को आप सेट कर लीजिए। आज बेसिकली सैटरडे है, तो हम यहाँ पर सैटरडे डे सेट कर लिया है। आवर अब हमें सेट करना है, जितना भी टाइम हो रहा है आप उस आवर को सेट कर लीजिए। अभी 12 बज रहे हैं, तो हम यहाँ पर 12 सेट कर लेते हैं। 12:30 हो रहे हैं, तो जो M+ का सिंबल है उसके ज़रिए अभी हम 30 सेट कर लेते हैं। तो इस तरह से हम डे, आवर एंड मिनट को अभी हमने सेट कर लिया। आप किस तरह से प्रोग्रामिंग करना होगी समझ लेते हैं। प्रोग्रामिंग करने के लिए आपको पी को बटन को प्रेस करना होगा। देखिए, पी को आपने प्रेस किया, इसमें आपको 16 डिफरेंट स्टार्ट एंड स्टॉप प्रोग्रामिंग मिल जाती है। आप किस तरह से प्रोग्रामिंग की जाएगी हम समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम प्रोग्राम पर गए, फर्स्ट ऑन टाइम हमें सेट करना है। देखिए, आपके लोड को किसी भी डिफरेंट डे पे स्टार्ट स्टॉप कर सकते हैं। यदि आप चाहे हफ्ते के हर एक डे में स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो भी कर सकते हैं। किसी पर्टिकुलर 3 या फिर 4 आप स्टार्ट स्टॉप करना चाहे तो भी कर सकते हैं, बट हम चाहते हैं हमारा लोड ओनली आज के डे में ही, डेट मीन सैटरडे को ही स्टार्ट हो। तो अभी हमने यहाँ पर सैटरडे सेट कर दिया है। 12:35 पर हमारे लोड ने स्टार्ट होना चाहिए, तो 12:35 अभी हम यहाँ पर सेट कर देते हैं। देखिए, 12:35 सेट हो चुका है। ऑफ टाइम हमें 12:36, डैट मीन्स 1 तक हमारे लोड ने रन करना चाहिए और ऑटोमेटिकली 12:36 पर स्टॉप हो जाना चाहिए। अब सेकंड प्रोग्रामिंग हमें करना है, तो 12:38 पर हमारे लोड ने स्टार्ट होना चाहिए, और डे सैटरडे ही हमने रखा है। देखिए, 12:38 अभी हम यहाँ पर सेट कर लेते हैं, स्टार्ट होना चाहिए, और स्टॉप टाइम 12:39, दैट मीन्स 1 तक हमारे लोड ने रन करना चाहिए, और 1 बाद ऑटोमेटिकली हमारे लोड ने स्टॉप हो जाना चाहिए। यदि आपको और भी डिफरेंट प्रोग्रामिंग करना हो तो आप कर सकते हैं। आपको एक मैनुअल बटन दिया गया है, यदि आप किसी लोड को ऑटो पर सेलेक्ट करना चाहे तो एक बार प्रेस कर ऑटो पर कर सकते हैं। मैनुअली ऑन करना चाहे तो मैनुअली ऑन कर सकते हैं, अगेन प्रेस किया तो ऑटो में आ चुका है। मैनुअली ऑफ करना चाहे तो मैनुअली ऑफ कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक रिसेट बटन दिया गया है, यदि आप सभी प्रोग्रामिंग को रिसेट करना चाहते हैं तो इस रिसेट की के जरिए रिसेट कर सकते हैं। चलिए, यहाँ पर आपको एक ऑन इंडिकेटर भी दिया गया है, यदि आपका लोड ऑन कंडीशन में रहेगा तो आपका ऑन इंडिकेटर ब्लिंक होगा। कनेक्शन काफ़ी सिंपल है। देखिए, यहाँ पर ऊपर आपको 1 और 2 नंबर पॉइंट दिया गया है, जहाँ पर आपको 220 वोल्ट AC सप्लाई इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देना है। यह कंट्रोल टर्मिनल्स दिया गया है। 4 नंबर यहाँ पर कॉमन पॉइंट है, 3 नंबर NC पॉइंट है, और 4 के साथ
जो 5 नंबर पॉइंट है वो एनो पॉइंट है। यदि आप किसी लोड को जब आपका टाइमिंग कंप्लीट हो तो ऑन करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आप किसी स्टार्टर को ऑन कर रहे हैं, तो आपको कनेक्शन 5 से लेना होगा। 5 नंबर जो पॉइंट है वो 4 के साथ एनो में रहेगा। चलिए किस तरह से कंप्लीट इंस्टॉलेशन किया जाएगा समझ लेते हैं। सबसे पहले टाइमर को ऑपरेट होने के लिए टाइमर में हमें फेज न्यूट्रल कनेक्ट करना है। तो MCB से देखिए, हमने फेज कनेक्टर को सबसे पहले 1 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर दिया है। अब न्यूट्रल को 2 नंबर पॉइंट पर कनेक्ट कर देना है। देखिए टाइमर में इनपुट पावर सप्लाई का कनेक्शन हो चुका है। अब कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। देखिए कॉन्टेक्टर को हमें टाइमर से ऑपरेट करना है, तो कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए इसके कॉइल में हमें 220 वोल्ट AC सप्लाई फेज और न्यूट्रल कनेक्ट करना होगा। तो आप चाहे तो न्यूट्रल A1 में कनेक्ट कर दीजिए और फेज A2 में कनेक्ट कर दीजिए यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, कॉन्टेक्टर को ऑपरेट होने के लिए न्यूट्रल डायरेक्टली आप चाहे तो MCB से भी दे सकते हैं या फिर टाइमर से भी दे सकते हैं। तो न्यूट्रल देखिए अभी हम इस कॉन्टेक्टर में डायरेक्टली कनेक्ट कर देते हैं। अब फेज की कंट्रोल वायरिंग किस तरह से की जाएगी समझ लेते हैं। तो फेज के लिए एक कनेक्टर हमें लेना है और इसे टाइमर के कॉमन पॉइंट जो 4 नंबर पॉइंट है 4 नंबर पॉइंट में कनेक्ट कर देना है। देखिए फेज का एक कनेक्टर हमने लिया है, इसे टाइमर के 4 नंबर पॉइंट पे कनेक्ट कर दिया है। अब जैसे ही हमारा टाइमिंग कंप्लीट हो तो हमारे कॉन्टेक्टर ने ऑपरेट होना चाहिए। तो 5 से हमने कनेक्शन लेकर कॉन्टेक्टर की A2 कॉइल में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही टाइमिंग कंप्लीट होगा हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो जाएगा। अब जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट हो तो कॉन्टेक्टर में मोटर के प्लेस पर हमने कूलिंग फैन कनेक्ट करना है। तो कूलिंग फैन का कनेक्शन करने के लिए देखिए कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल में हमें फेज और न्यूट्रल MCB से कनेक्ट करना होगा। तो सबसे पहले हम फेज और न्यूट्रल देखिए कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल में कनेक्ट कर दिया है। जैसे ही कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा तो कूलिंग फैन ने हमारे रन करना चाहिए। तो कॉन्टेक्टर के पावर टर्मिनल से हमने यहाँ पर फेज और न्यूट्रल कनेक्ट कर दिया, हमारा कंप्लीट कनेक्शन हो चुका है। अब किस तरह से वर्किंग होगी हम समझ लेते हैं। देखिए अभी हमने जो कॉन्टेक्टर को स्टार्ट होने के लिए प्रोग्रामिंग किया है 12:35 पर किया है और 12:36 पर लोड ने स्टॉप हो जाना चाहिए। 12:38 एंड 12:39 पर स्टॉप होना चाहिए। देखिए अभी हमारे पास 12:34 हो रहा है, जैसे ही 12:35 होगा हमारा लोड यहाँ पर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। चलिए वेट करते हैं, जैसे ही 12:35 होगा हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखिए 12:35 होते ही हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो चुका है। अब जैसे ही 12:36 होगा इसने ऑटोमेटिकली स्टॉप होना चाहिए। तो हम वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं। देखिए अब जैसे ही 12:36 होगा हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। एक मिनट की हमने प्रोग्रामिंग की थी, आप जितनी भी प्रोग्रामिंग करना चाहें कर सकते हैं। अब 12:38 पर हमारे लोड ने अगेन ऑन होना चाहिए। अभी 12:37 हो रहा है, जैसे ही 12:38 होगा हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा। देखिए स्टार्ट हो चुका है, अब 1 मिनट तक इसने रन करना चाहिए। जैसे ही 12:39 होगा हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाना चाहिए। चलिए वीडियो को थोड़ा पॉज कर लेते हैं। देखिए जैसे ही 12:39 होगा हमारा लोड ऑटोमेटिकली स्टॉप हो जाएगा। यदि आप और भी प्रोग्रामिंग करना चाहे डिफरेंट डिफरेंट टाइम के लिए, डिफरेंट डिफरेंट डे के लिए, तो 16 डिफरेंट प्रोग्रामिंग आप वन डे में, दैट मीन्स एक दिन में आप 16 डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। यदि आप मैन्युअली स्टार्ट करना चाहे तो मैन्युअली यहां से स्टार्ट कर सकते हैं। अगेन जब आप मैनुअल बटन को प्रेस करेंगे तो ये ऑटो में आ चुका है। अगर आपको मैन्युअली ऑफ करना हो तो आप मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं। अगेन यदि आपको किसी भी समय लोड को ऑन करना हो तो आप मैन्युअली यहां से ऑन एंड मैन्युअली ऑफ कर सकते हैं। यदि आपको लोड को टाइमिंग के अकॉर्डिंग स्टार्ट स्टॉप करना है तो आपको इसे ऑटो में सेलेक्ट कर देना है। यदि मैन्युअली स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो मैन्युअली स्टार्ट स्टॉप भी कर सकते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हुआ हो किस तरह से इस डिजिटल टाइमर में कंप्लीट प्रोग्रामिंग की जाती है। यदि वीडियो अच्छा लगा तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। सो आज के लिए इतना ही।